हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और देख रहे हैं आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फ्लो। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज मैं बताऊंगा आपको कि बिना एटीएम कार्ड के एटीएम से पैसे कैसे निकालें, वो भी अपने मोबाइल से। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा, नहीं तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना वॉलेट घर पे भूल जाते हैं, कभी एटीएम कार्ड नहीं होता हमारे पास, कभी कैश नहीं होता है और हमें कभी मार्केट में या कभी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हमें कैश पैसे की जरूरत होती है, तो उस वक्त हम अपने मोबाइल का यूज करके एटीएम से कैसे पैसे निकालेंगे, उस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आपके लिए हर बार इस तरह से एक नए नए वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में अपने स्क्रीन को ऑन करेंगे, उसके बाद ये योनो एसबीआई वाले ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा और आप यहां पर देख रहे हैं एक ऑप्शन यूनो कैश का, इस यूनो कैश पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एटीएम विड्रो मनी फ्रॉम एसबीआई एटीएम विद ट्रांजेक्शन, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारा इसमें कितना बैलेंस है वो शो करेगा और यहां पर अमाउंट डालना कि आपको कितना चाहिए। तो चलिए हम 500 डाल देते हैं और यहां से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही योनो कैश पिन फॉर डिटेल, यहाँ पर आपको अपने लिए एक पिन बनाना है। अभी जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए आपको पिन बनाना है, वो पिन एक सीरियल नंबर में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम खुद से एक पिन बनाते हैं, ठीक है। और वो भी 6 डिजिट का पिन बनाना है यहाँ पर, तो 6 डिजिट का चलिए एक पिन बनाते हैं। ये हमने पिन बना दिया और यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है, डिलीवरी चैनल एटीएम, अमाउंट आपको 500 निकल लगाना, आपने जो पिन बनाया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर हम आई एग्री करके, आई एग्री वाले ऑप्शन पे टिक करके यहाँ कंफर्म करेंगे। यहाँ जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएगा, इस ट्रांजेक्शन नंबर को हम इसमें फिल करेंगे। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। तो हम अपने एटीएम में आ गए हैं और इसमें देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, एक क्यूआर कैश का, एक यूनो कैश का, तो हम यूनो कैश वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन नंबर आया था वो नंबर हम यहाँ पर फिल करते हैं। अब यहाँ से कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने जो अमाउंट डाला था वो अमाउंट यहाँ पर फिल करेंगे, अगर इससे ज़्यादा या इससे कम करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने जितना अमाउंट डाला था वही अमाउंट यहाँ पर हमें फिल करना होगा। तो चलिए ये अमाउंट फिल कर दिया हमने, यस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमने जो पिन बनाया था वो पिन यहाँ पर हम डालते हैं और यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। हमारा ट्रांजेक्शन इस तरह से सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए हमने 500 डाला था और हमने 500 ही इसको निकाला है। तो इस तरह से हम बिना एटीएम कार्ड के यूज किए हुए हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए नए नए वीडियो हर वक्त लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।